नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुपेड इन्फो चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीबीएसई क्लास 12th की पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 1, वो भी सेकंड बुक से। ठीक है, तो हम इस पे पढ़ने वाले हैं क्या कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम एक वीडियो में आपकी बना चुका हूँ, आप देख भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है ना, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और सिर्फ इसी के क्यों, हर वीडियो के यानी कि हर क्लास की वीडियो के, चाहे 9th 10th 11th 12th कुछ भी हो, सबका लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है आराम से एनसीईआरटी की पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जो है वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हैदराबाद तक हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मणिपुर के बारे में। तो दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा चंद्रबोध सिंह। ठीक है, तो ये मणिपुर के राजा थे। अब इन्होंने क्या क्या, ये भी मना कर रहे थे कि नहीं नहीं हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे, लेकिन किसी भी तरीके से इनको मनाया गया, समझाया गया कि मान जाइए अकेले रहना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये मान गए, लेकिन कुछ शर्त रखी इन्होंने। ठीक है ना, तो वो शर्त ये थी कि हम भारतीय संविधान लागू कर लेंगे लेकिन राजतंत्र बना रहेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की तरह इन्होंने भी स्वायत्तता मांगी, तो इनको भी मिल गई कुछ स्वायत्तता, ऐसी बात नहीं है। और 15 अक्टूबर 1949 में भारत का ये अंग बन गया, कौन, मणिपुर। ठीक है, यानी कि 15 अक्टूबर, ऐसा नहीं कि 1947 में ये आज़ाद हुआ और 48 तक ये बन गया, नहीं, तो 15 अक्टूबर 1949 को भारत का अंग बना और 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान था वो भी यहाँ पर लागू हो गया। और यहीं पर सबसे पहले जो है कि सार्वभौम मताधिकार, यानी यहीं पर सबसे पहले चुनाव हुए थे। और ठीक है ना, तो यहीं पर सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्कों को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको जो है वोट देने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो उसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले मणिपुर में हुआ था, इसका याद रखिएगा, पेपर में आता रहता है ये। तो दोस्तों, पहले मणिपुर जो है राजतंत्र प्रजातंत्र था। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ पर राजा था लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव होता था। ठीक है ना, लेकिन बाद में दबाव डलवा के उसको भारतीय अंग, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, 15 अक्टूबर 1949, भारत ने दबाव बनाया और महाराजा को मजबूर कर दिया कि वो साइन करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है, एक्सेशन पर, जो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, इससे पहले क्या था, इससे पहले ये प्रजातंत्र था। ठीक है, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र था। उसके बाद भारत ने ये 15 अक्टूबर 1949 को इसे भारत में मिला लिया दबाव डाल के महाराजा पर। उसके बाद जो है ये केंद्र शासित प्रदेश रहा, और केंद्र शासित प्रदेश रहने के बाद 26 जनवरी, ठीक है ना, ये सॉरी 21 जनवरी 1972 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो वयस्क सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग है वो भी मणिपुर में हुआ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी किस चीज़ की, कि भाई हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, हमने बहुत सारी समस्याओं को सुलझा भी लिया है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। भाई 565 रियासतें और उसके साथ जो है ब्रिटिश इंडिया, तो सब मिला के पूरा देश बनाया आज, तो इसके लिए ठीक है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और राज्य गठन पुनर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। ओके, कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली। तो इसके 3 सदस्य थे, तो इसमें न्यायमूर्ति फजल अली हो गए पहले पे। ओके, उसके बाद हृदयनाथ कुंजरू थे और तीसरे थे KM पाणिकर। तो ये 3 सदस्य थे किसके, राज्य पुनर्गठन आयोग के। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें इन्होंने बोला कि भाई भाषा के आधार पे ही, ठीक है, राज्यों का गठन करना चाहिए, भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करना चाहिए। और फिर इसी की सिफारिश मानते हुए, ठीक है ना, भाषा को आधार मान लिया गया और उसके आधार पे जो है कि राज्यों का गठन कर दिया गया। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी। सदस्यों की बात तो हमने कर ली, जो ये फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पाणिकर थे। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में 22 दिसंबर को। कब, 1953 22 दिसंबर। और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो कब प्रस्तुत की थी, वो 30 सितंबर 1955 को। ठीक है,
30 सितंबर 1955 को, और राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया उसके बाद। यानी जब 30 सितंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी तो संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ ही 14 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, ठीक है। और भारत में शुरू शुरू में इतने ही राज्य थे और इतने ही केंद्र शासित प्रदेश थे। दोस्तों मैंने यहाँ 9 लिखा है क्योंकि मैंने कई जगह रिसर्च किया तो 9 दिखा रहा था केंद्र शासित प्रदेश, हालांकि एनसीईआरटी में 6 लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि 6 सही नहीं है, क्योंकि आज भी तो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, जिसमें दिल्ली को अगर हम हटा दें तो 6 बचे आज, और दिल्ली केंद्र शासित एनसीटी हो गई, है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो इसीलिए मुझे डाउटफुल लगा, तो 9 आप बताइएगा, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ज़्यादातर जगह यही दिया हुआ है, ओके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ लेके आते हैं, तो प्लीज़ जो रिपोर्ट जो ऐड चलते हैं बीच में उसके स्किप ना करें, उसे देखें पूरा, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो 2 पैसे पाने के लिए ही करते हैं। आप अगर ऐड स्किप कर देते हैं ना तो फिर उससे क्या होता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप क्या करें, और ऐसा मत सोचें कि हज़ारों मिलते हैं, 3000 वीडियो में जो ऐड चलते हैं उन पर हमें $1 मिलता है, सोचिए, यानी कि बहुत ज़्यादा वीडियो चलती है तब जाके $1 मिलता है। तो देखिए $1 की कीमत क्या है, 60-65 रुपये, तो उतना तो बनता ही, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्लिक भले कर दे लेकिन स्किप ना करें प्लीज़। तो आइए चलिए अब अगली बात कर लेते हैं कि पुनर्गठन आयोग के बारे में तो हमने पढ़ा, अब थोड़ा राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि राज्य जो हमारे 14 राज्य थे, ठीक है, कि उन्होंने कैसे कैसे जो है कि उनको बनावट प्रदान हुई, कैसे उनका निर्माण हुआ। तो शुरू में तो 14 राज्य थे, ठीक है, शुरू में कितने थे, 14। और उसके बाद जो है जब हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो दोबारा इसका एक दूसरा दौर शुरू हुआ 60 के दशक में, कब, सन 1960 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सन 1960 में सबसे पहले जो है बम्बई से 2 राज्य बने, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी इन दो राज्यों का निर्माण किया गया, किसके, गुजरात और महाराष्ट्र को, ठीक है, ये भी भाषा के आधार पर ही था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नागालैंड का भी निर्माण किया गया, कब, 1963 में। उसके बाद पंजाब, एक जो बहुत बड़ा राज्य था, इसको तोड़कर कई राज्य बना दिए गए, एक तो पंजाब था, दूसरा हरियाणा और तीसरा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यानी यहाँ पर आपके 3 राज्य नए बन गए, 2 यहाँ बन गए, 1 यहाँ बन गया, 3 यहाँ बन गए, तो देखिए 6 राज्य अब और बढ़ गए, यानी कि 14 और 6 20 हो गए। अब 1972 में क्या हुआ कि 1972 में मेघालय बना, मणिपुर बना, और उसके बाद त्रिपुरा बना, तो ये 3 राज्य बने 1972 में। तो 1972 में अब जो 20 था अभी 23 हो गए, है ना। अब 1987 में देखिए क्या हुआ, 1987 में, ठीक है, 87 में, तो मिज़ोरम बना, और जो अरुणाचल प्रदेश है जो फ्रंटियर था, तो अरुणाचल प्रदेश बना, और गोवा, देखिए ये जो अरुणाचल प्रदेश और गोवा थे ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे, पहले केंद्र के अधीन थे, तो इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, 1987 में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर ये भी 3 राज्य हो गए, तो 23 और 3 कितने हो गए, 26, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 और 6 कितने हो गए, 20, और 3 23 और 3 26 हो गए। उसके बाद जो है 3 राज्य आपके और यहाँ पे आ जाते हैं, उत्तराखंड, ठीक है, झारखंड, ये 2000 सन में बने हैं, कब बने ये, सन 2000 में, ठीक है, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, तो ये आपके राज्य हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ी मत करिएगा कि वहाँ कई राज्य जो हैं टूट कर 2 राज्य बने हैं, तो वहाँ पर 1 राज्य कम मानिएगा आप सोचे कि 23 और 3 29 तो यहीं हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्यों, यहाँ पर 1 राज्य ना 2 बार है, अगर आप देखेंगे तो ये पंजाब और पंजाब, ठीक है, तो इसको 1 कम करिएगा आप गिनती को, नहीं तो आप सोचेंगे 29 तो यहीं पर हो गए 23 और 3, तो वो पंजाब कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना, और सीमांध्रा जो कि आंध्र प्रदेश है उसको सीमांध्र भी कह सकते हैं या फिर आप आंध्र प्रदेश भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों किससे मिलकर बने हैं, आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना कब बना है, 2014 में। तो ये देखिए मैंने आपके सामने एक बहुत ही अच्छा खाका सा जो है प्रस्तुत कर दिया था कि कब कब क्या क्या हुआ, मैंने डेट नहीं लिखी, डेट से कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने एक सिंपल सा आपको, ठीक है, फ्लो चार्ट बना के समझाया कि बम्बई से गुजरात महाराष्ट्र बने, नागालैंड 1963 में, 66 में फिर पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, 72 में फिर मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, और फिर 87 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा बना, और फिर, ठीक है, 2000 सन में उत्तराखंड झारखंड और छत्तीसगढ़, और फिर ये 2014 में तेलंगाना और सीमांध्र बन गए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है, और काफ़ी बेहतर तरीके से समझ। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो लास्ट के ये जो बने हैं हमारे राज्य,
ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ भाषा के आधार पे हो, ये प्रशासनिक भाषा तो आधार था ही, इसमें कोई शक नहीं है कि अलग भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो है प्रशासनिक दृष्टि से भी काफ़ी यूजफुल रहा, यानी कि शासन चलाने के लिए भी सुविधा के हिसाब से शासन, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से भी इसको बांट दिया गया कई भागों में। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, और दोस्तों नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप जो है अपने वीडियो देख सकते हैं मनपसंद, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, सारे लिंक्स दिए हुए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।